नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल 24 और हम खड़े हैं सारण जिले के छपरा साल स्थित निवाजी टोला चौक पर। निवाजी टोला चौक पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग आक्रोशित हैं। आरोप है कि यहां उत्पाद विभाग की टीम मुफस्सिल थाना के मनिया गांव पहुंची थी, जहां उन लोगों के द्वारा घर में बर्बरता पूर्वक महिलाओं और बच्चों को भी पिटाई की गई है। आपके सामने एक लड़की मौजूद है जिसके बाजू टूटा हुआ है, वो लड़की से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? क्या घटना हुई है? कौन लोग मारा है? आइए हम बात करते हैं दूसरी यहाँ की महिलाओं से। बता दें कि महिलाएं बिहार में शादी थी, पुलिस ने क्या किया? आज मटकोर का दिन है, आज मटकोर था तो पुलिस कैसे पहुंची? क्या बोले? बुला रहे हैं सर, बुला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों का आक्रोश जारी है, लोग काफी आक्रोशित हैं। महिला और बच्चे तक सड़क पर उतर चुके हैं, महिला और बच्चे भी सड़क पर उतर चुके हैं और सड़क पर बैठकर ये लोग जो है अपना प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा है। बताते चले कि उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा उत्पाद विभाग की टीम उपस्थित थाने के मेरिया गाँव पहुंची, जहाँ पे उन लोगों के द्वारा लोगों की पिटाई की गई है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर लोजपा के नेताजी भी पहुंचे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि लोग क्यों आक्रोशित है, क्या बात है, क्या घटना हुई है यहाँ पे, क्यों लोग आक्रोशित हैं? यहाँ एक पासवान के टोला है नहिया गांव, वहाँ पर आबकारी वाले घुस के और बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को और महिलाओं को बहुत बुरी तरह से पिटाई किए कि यहाँ दारू बिकता है। मैं एसपी साहब से मांग करता हूँ कि हरे थाने में पहले चेक करें कहाँ दारू नहीं बिकता है, दारू कहाँ नहीं बिकता है। हर काम में हमारे से बंद है, हमारी मांग है जिस अपराधी जिन निर्मी अपराधियों को पकड़ के ले गए हैं उनको तुरंत छोड़े और दोषी पर कार्रवाई हो, FIR हो। चलिए आइए हम बात करते हैं। बता दें कि सारण पुलिस विभाग की टीम जो है मैया गाँव पहुंची, तो मैया गाँव लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लोगों के आरोप है, महिलाओं का आरोप है कि पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई, जबकि उनके घर में शराब नहीं था। आप देख सकते हैं ये पूरा जो क्षेत्र है एकदम पानी में तब्दील है, काफी संख्या में कई मौजूद है और लोग आक्रोशित है, लेकिन लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह पर बर्बरतापूर्वक तरीके से मारपीट की है उनके साथ। 9 से दारू बंद है, एक भी मुफस्सिल थाना में रिकॉर्ड नहीं है कि हमारे गांव में दारू बिका है। हम लोग नौजवान युवक मिल करके हमारे गांव को बर्बाद हो रहा था, हम लोग दारू बंद करवा दिए हैं। थाना हम इस बात की सूचना प्रशासन को है, मुफस्सिल थाना को है कि हमारे मेहिया गांव में दारू नहीं बिक रहा है 2009 से, एक भी रिकॉर्ड नहीं। फिर आज क्या घटना हुई है? आज घटना जबरदस्ती आकर के लोगों को मारा गया है हमारे गांव में, लेडीज को, हमारी माता को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को मारा गया है। घींच के घर में से छत पर से चौहर के हमारे घर में घुस के मारा गया है, बल्कि सारा सामान बिखेर दिया है लोग और कुछ सामान लेके गया है लोग लूट। घर में सब घींच ले जाना।